मोदी ने हिंदुओं के लिए क्या किया, यह वायरल मैसेज जो आजकल व्हाट्सएप फेसबुक पे वायरल हो रहा है, हम बताएंगे क्या है वायरल मैसेज। इससे पहले हमें मैसेज आपको बताएं, आपसे अनुरोध है कि हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करना ही किसी चीज़ को सभी और मास चीज तक पहुँचाना है और उसकी सच्चाई को बताना है। चलिए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया का मैसेज शुरू होता है 30 दिसंबर 2017 को। एक आदमी केरल के कोची हवाई अड्डे पर आता है बैंकॉक से। जैसे ही इमिग्रेशन पासपोर्ट देता है, जो कंप्यूटर में चेक करने के बाद महिला इमिग्रेशन ऑफिसर उससे उसका नाम बोलने को कहती है। वो आदमी बोलता है नाम पासपोर्ट पर लिखा है। वो अफसर डांट के बोलती है बहस नहीं बोलो। वो नाम बोलता है, इमिग्रेशन अफसर तत्काल उसे अपने सीनियर के हवाले कर देती है। पूरी रात वह आदमी हवाई अड्डे के उस कमरे में बैठा रहता है। सुबह की पहली फ्लाइट से वापस उसे देश निकाल दिया जाता है। इससे पहले रात भर वो आदमी केरल से लेकर दिल्ली तक अपने हर बड़े कॉन्टैक्ट को फ़ोन करता है, लेकिन उसकी दाल नहीं गलती है। केंद्र सरकार से सीधे आदेश आता है और आईबी के लोग हवाई अड्डे पर जमे हैं, कुछ नहीं कर सकता। 100 साल से ऊपर पुरानी पार्टी के लोग उसे घुसाने के लिए हर जुगाड़ लगाते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने कुछ नहीं करने दिया। मोदी राजनाथ की सीधी निगाहें हैं। इस आदमी का नाम हेनरी थिम्पडे और मदुरई स्थित एनजीओ पीपल वॉश नामक संस्था का फंड प्रोवाइडर है। ये एनजीओ धर्म परिवर्तन का काम करती है। ये आदमी भारत में लगातार कई वर्षों से आता रहा है। इस पर आईबी की रिपोर्ट 2010 से ही थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। 2016 में यह मोदी सरकार के रडार पर आया था और यह ब्लैकलिस्टेड था, भारत में नहीं घुस सकता और इसकी एनजीओ के पैसे अभियान नहीं चलते। ग्रीन पीस नाम सुना होगा आपने, जिसने भारत में किम डेवी के प्लांट किया था। वह किम डेवी जिसने पुरुलिया में हथियार का जखीरा गिराया था, वही किम डेवी जो सांसद पप्पू यादव की गाड़ी में बैठकर भागा था, जिसको गृह मंत्री की गाड़ी दिल्ली लेकर आई थी और उसको भारत से भगा दिया गया था सुरक्षित। यह कांड नरसिम्हा राव के जमाने में हुआ था। इसी ग्रीन पीस के सीईओ बेन हार्गिवेट्स को भारत विरोधी कार्य के लिए सितंबर 2015 को भारत के हवाई अड्डे पर आते ही भगा दिया गया था। इसी ग्रीन पीस की एक्टिविस्ट प्रिया पिल्लई को भारत छोड़ने पर बैन लगा दिया। ये एक्टिविस्ट मध्य प्रदेश के माहन में आदिवासियों का धर्म परिवर्तन का काम कराती थी। नाम प्रिया पिल्लई है, लेकिन ये ईसाई है। 2015 में मोदी सरकार ने 1145 एनजीओ का लाइसेंस खत्म किया। आईबी के रिपोर्ट के अनुसार ये एनजीओ भारत में धर्म परिवर्तन, पैसे देकर प्रदर्शन बवाल करवाना आदि का काम का ठेका लेती है। इनके काम से भारत के जीडीपी को कम से कम 2% का नुकसान कराया और 20 लाख से ऊपर परिवारों का धर्म परिवर्तन कराया। आईबी लगातार 2008 से सरकार को ये रिपोर्ट देती रही थी, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार कुंडली मारे बैठी थी। भारत में बलवा दंगा, धन परिवर्तन, उद्योगों का विरोध कराने के लिए विदेशी धन चलाने वाले एनजीओ को मकर जाल ऐसा था कि प्रति 400 बलवा कर्मी लोगों का पर एक एनजीओ की टीम थी। इन लोगों ने 2013 में भारत में लगभग 80,000 करोड़ का फंड निवेश किया। इन पैसों से चर्च, मस्जिद का निर्माण, प्रायोजित आरटीआई करने वाले का खर्च से लेकर प्रोपेगंडा का बजट शामिल था। मोदी सरकार के समय 2015-16 में लगाम लगाने के कारण रकम घटाकर 18,000 करोड़ कर दिया गया था। 2016-17 में 6800 रह गया। 2017-18 में 4,000 करोड़ के नीचे जाने की उम्मीद है। यह सारा पैसा कहां लगता था? ये पैसे उन लोगों को मिलता था जो हिंदू आतंकवाद शब्द के जन्मदाता है। इन्हीं लोग की प्लानिंग और इशारे पर कर्नल पुरोहित, कर्नल पठानिया तथा अन्य सैनिकों को जेल भेजा गया था। मोदी सरकार में ये बाइज्जत बहाल हुए हैं और इनका सैनिक सम्मान मिलना चाहिए। तो यह खबर आपको अगर अच्छी लगे हो तो आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को शेयर करें और मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लोगों तक पहुँचाएँ।
धन्यवाद।